हाय व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जायका इंडिया का पर। आज हम बनाने वाले हैं चिकन पुलाव। इस चिकन पुलाव को जायकेदार बनाने के लिए हमने इसमें कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, जिनके बारे में मैं आपको वीडियो के दरमियान में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चिकन पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 1 किलो बासमती चावल, 1 किलो चिकन, 3 टीस्पून धनिया पाउडर, 3 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला और खड़े मसालों में हमने यहाँ पर लिए हैं 3 तेज़पत्ते, 4 दालचीनी, 2 फूल, 1 बड़ी इलायची, 5 लौंग, 20 से 25 काली मिर्च, 4 कटे हुए टमाटर, 500 ग्राम कटी हुई प्याज, 8 गांठिये लहसुन के, 2 मीडियम साइज़ के अदरक और 15 से 20 छोटी हरी मिर्च। अब हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाएंगे। इसी के साथ हमारे चावल को आधे घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। चिकन पुलाव बनाने के लिए हमने एक बर्तन में 1.5 कप तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें सारे खड़े मसाले और जीरा ऐड कर देंगे। इसी के साथ अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इस स्टेज पर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। प्याज और टमाटर अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम इसमें नमक ऐड करेंगे। चिकन को तेल में पकते हुए 20 मिनट हो चुकी है। इस स्टेज पर अब हम इसमें हमारा तैयार किया हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। और गरम मसाला ऐड करेंगे और धनिया पाउडर भी ऐड करेंगे और इसमें 1 कप पानी डालकर इन मसालों को 10 मिनट तक पकने देंगे। यहाँ पर मसाला पककर तैयार है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने 2 लीटर पानी ऐड करना है। इसी के साथ हम इसमें 2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। ध्यान रहे कि पहले हमने जो नमक ऐड किया था वो चिकन के लिए था और अब हमने जो नमक ऐड किया है वो चावल के लिए है। अब हम पानी को अच्छे से बॉईल होने देंगे। पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पर हमने चावल को अच्छे से धोकर आधे घंटे के लिए भिगोया था। अब हम चलते हैं हमारी इस रेसिपी के सीक्रेट की तरफ। इसके लिए हमने एक कपड़े में 2 टेबलस्पून धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1 तेज़पत्ता और थोड़ी सी दालचीनी ली है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम इस कपड़े में बांध लेंगे। हमने कपड़े में जो इंग्रेडिएंट्स लिए थे उनको इस तरह बांधकर अब इसमें ऐड करेंगे। इस पुलाव को बनाने के लिए ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा करने से इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसे ढक कर थोड़ी देर के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे। पुलाव को हाई फ्लेम पर पकते हुए 20 मिनट हो चुकी है। इसी के साथ इसका पानी सूखने लगा है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे ढक कर 20 मिनट के लिए और पकाएंगे। पुलाव हमारी बन रही है, तब तक हम सलाद तैयार कर लेंगे। सलाद तैयार करने के लिए हम 2 कप दही में 2 बारीक कटे हुए टमाटर और 2 बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ हम इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर भी ऐड करेंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। इसी के साथ हमारा सलाद बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम चलेंगे पुलाव की तरफ। यहाँ पर लो फ्लेम पर पुलाव को पकते हुए 20 मिनट हो चुकी है। इसी के साथ पुलाव बिल्कुल तैयार है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके इस कपड़े को निकाल लेंगे और अब वक्त है पुलाव को गार्निश करने का। इसे गार्निश करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई की हुई प्याज
और इसी के साथ ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे डिश आउट कर लेंगे। तो लीजिए, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है हमारी चिकन पुलाव। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।